उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की क्या हाल है, इसकी तस्वीरें कई बार आपने देखी होंगी। कहीं बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है तो कभी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर टाइम से नहीं आते और बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े होकर टीचर्स का इंतजार करते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह एक ऐसी पाठशाला की है जिसमें ना तो कोई फीस ली जाती है ना ही बच्चों को इंतजार कराया जाता है। यहाँ इंतजार खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पुलिस वाली मैडम करती है जो रोज अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद इन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देती है। खुर्जा के हर कोतवाली में तैनात यह महिला पुलिस कर्मी खास तौर पर उन बच्चों को शिक्षा देती है जिनके माता पिता पर उनके पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। बच्चों को किताबें दिलाने के लिए पैसे नहीं है। गुड्डन चौधरी ऐसे बच्चों को चिन्हित करती हैं और फिर एक ही स्थान पर जाकर लगाती हैं सड़क के किनारे पाठशाला। इन बच्चों को रोज 3 घंटे की पाठशाला लगती है। बच्चे भी इनको पुलिस वाली मैडम कहकर पुकारते हैं। बच्चों के अधिकारी भी इन कांस्टेबल महिला की पाठशाला की तारीफ करके नहीं थक रहे हैं। हाथरस जनपद की रहने वाली गुड्डन चौधरी अभी हाल ही में करीब 6 महीने पहले खुर्जा देहात कोतवाली में तैनात लिए। इतना ही नहीं, गुड्डन चौधरी अब इन बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, कौन पढ़ाता है तुम्हें और कौन किताब देता है? पुलिस वाली मैडम। अच्छा, कितने बजे आती है शाम को? 6 बजे। अच्छा, डेली? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। दीपक, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ कौन पढ़ाता है? पुलिस वाली मैडम पढ़ाने आती है। रोज आती है? हाँ। अब कहाँ आई है मैडम? सरकारी स्कूल में। क्यों, एडमिशन कराने आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। मोहर सिंह जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और आप कभी स्कूल भेजे बच्चे? हमारे बच्चे रोड पे पढ़ाते हैं। हाँ। और एक मैम पढ़ाती है, पुलिस वाली है वो। हाँ। गरीब आदमी है। हाँ। एडमिशन कराने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं हमसे। हाँ। हम आधार कार्ड लाए कहाँ से? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, हम रोड पे रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में। अच्छा, विधायक जी के सामने। एडमिशन नहीं लिया कभी? नहीं लिया एडमिशन। क्या कहते हैं वो? आधार कार्ड मांगते हैं। हाँ। प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ हमारे पास है नहीं। अच्छा, मना कर देते हैं इसलिए एडमिशन नहीं होता। मैं आपका आशा। आशा, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कौन पढ़ाते हैं? रोड पे पढ़ते हैं हमारे बच्चे, पुलिस वाले मैडम पढ़ाने आती है। हमारे बच्चों का एडमिशन कराने जाते कोई लेता नहीं। क्यों? हमसे आधार कार्ड मांगते, कागज मांगते, हम कहाँ से लाए? कहाँ रहती है आप? रोड पे रहते हैं हम, झुग्गियों में, झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं। पहले भी कभी एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, कोई करता ही नहीं एडमिशन। और स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य से यह निवेदन कर रही है कि इन बच्चों को किसी भी तरह से एडमिशन मिलना चाहिए। गुड्डन चौधरी की इस अनोखी पहल से यह बात साबित होती है कि ऐसे पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मेरा नाम गुड्डन चौधरी है। गुड्डन जी, किस में आप नौकरी करती हैं? मैं पुलिस में सर्विस करती हूँ और खुर्जा देहात में मेरी पोस्टिंग है। तो मैं कितने दिन से पढ़ा रही है बच्चों को, क्या रुचि है आपके बच्चों की? एक्चुअली मैं बताऊँ, ये काम तो मुझे काफी दिन हो गए। पहले मैं घर पे सर्विस से पहले भी बच्चों को पढ़ाया करती थी, गरीब बच्चों को। उसके बाद मैंने बाहर स्टडी की है, मथुरा में रह के, तो वहाँ भी मैं, गरीब बच्चे थे, उन्हें फ्री में शिक्षा दिया करती थी। अब मेरी 2016 के बाद सर्विस लगी पुलिस में, तो यहाँ पे मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ भी 3-4 महीने हो गए लगभग। मैं यहाँ पे ड्यूटी के बाद अपना आती हूँ, इन बच्चों को बैठाती हूँ, और जितना समय होता है ड्यूटी के बाद मेरा अपना खुद का रेस्ट का, मैं इन बच्चों को उस रेस्ट में इन बच्चों को फ्री में शिक्षा देती हूँ। अब क्या क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? मैं उपदेश ये देना चाहती हूँ कि जिन जो जो माँ बाप गरीब हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो अपनी फीस नहीं दे सकते हैं या जिन फीस के अभाव में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए मैं फ्री में ये शिक्षा देना चाहती हूँ, ताकि वो उनके बच्चे भी पढ़ सकें, उनका भी भविष्य सुधर सके और उनके बच्चे भी बराबर प्रोग्रेस कर सकें। सबका विकास और सबका साथ चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये बच्चे रह जाते हैं पैसे के अभाव में, इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है और इनके लिए आगे भी नहीं आते। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग अपना टाइम निकाल के, अपना जो रेस्ट का टाइम होता है, इन बच्चों को शिक्षा दें फ्री में।
ताकि इनका भी विकास हो सके। और मैं इनका प्रयास कर रही हूँ सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने का। आज मैं गई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से बात भी की थी, तो पहले उन्होंने आधार कार्ड मांगा है। मैंने इन बच्चों का आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, इनके फोटो कराएं, और मैं पूरा सहयोग कर रही हूँ जितना मेरे से होता है। मैं अपनी सैलरी का जितना भी होता है 30% या 20% मैं इनको कॉपी किताब पेन पेंसिल मुहैया कराने में खर्च करती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है कि ये बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करें। थाना खुर्जा देहात के अंतर्गत एक गुड्डन चौधरी जो 2016 बैच की महिला आरक्षी है, उसके वो अपने ड्यूटी के अतिरिक्त समय बचा करके वो जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देती है। ये काम मैंने उनसे बात किया तो बहुत ही कायदे से उनके बच्चों को जा करके शिक्षा देना, उन बच्चों में जागरूकता पैदा करना, रेगुलर उनकी पढ़ाई, अन्य कोई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी करके अपने स्तर पर उसको दूर करने का प्रयास करना, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे ना केवल ये इनके मन में जो शिक्षा के प्रति अलग है वो उसका सम्मान कर रही हैं और ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम लोग भी इनको इस काम में जितना सहयोग हो सकेगा अपने ड्यूटी के अतिरिक्त उसको देखने की कोशिश करेंगे। और इससे अन्य जो महिला पुलिसकर्मी है या पुरुषकर्मी है अपने ड्यूटी के दायित्वों के अतिरिक्त ये समय बचा करके यदि उनके अंदर इस तरह की जिजीवसा है, ये ऐसा करते हैं तो बहुत सराहनीय पहल है। मैं इस महिला आरक्षी को इस काम के लिए उनको बधाई भी देता रहूँ और सदैव मेरे स्तर पर जो भी सहयोग होगा उसको करता रहूँगा।